बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे कीमा कढ़ाई। ये कीमा कढ़ाई बहुत अच्छा बनता है और बहुत जल्दी बनके तैयार भी हो जाता है। इसके लिए मटन का कीमा हमने लिया है 1/2 kg। आप चिकन भी ले सकते हैं और बीफ भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप उसके साथ कढ़ाई कीमा बना सकते हैं। ये मशीन का कीमा है, एक बार निकला हुआ मशीन का कीमा है। ना ये मोटा है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा ये बारीक है। और इसे हमने फैट के साथ लिया है। अगर आप फैट खाना पसंद नहीं करते हैं यानी चिकनाई, तो आप इसे हटा सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 teaspoon नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 2 teaspoon अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 अदद हरी मिर्च है, इन्हें हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। थोड़ी सी सब्ज प्याज, ये मैंने 1 अदद ली थी और इसे मैंने भी छोटा छोटा काट लिया है। 2 बड़े प्याज हैं और इन्हें भी हमने छोटा काट लिया यानी आमलेट कट। हरा धनिया 2 से 3 tablespoon, 2 बड़े टमाटर, इन्हें भी हमने छोटा काट लिया है। इन सब को हम पहले मिक्स करेंगे। इन्हें हमें हाथ से ज़्यादा मिक्स नहीं करना है कि ये टूट जाएं तमाम मसाले। सिर्फ हमें हल्के हाथों से मिक्स करना होगा ताकि मसाले कीमे के अंदर अच्छे से लग जाएं। कीमे को हम मैरिनेट करके 1/2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छे से कीमे के अंदर आ जाए। कीमे को हमने 1/2 घंटे मैरिनेट कर लिया है। इस तरह से मैरिनेट करना ये जायका बढ़ाता है और बहुत अच्छी कीमा कढ़ाई बनके तैयार भी होती है। अभी हमने गैस ऑन नहीं किया है। सबसे पहले हम कीमे को डालेंगे कढ़ाई के अंदर। आप आयरन की कढ़ाई भी ले सकते हैं, मैंने नॉनस्टिक ली है। गैस ऑन कर देंगे। इस कीमे को आप ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, मगर ये घी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ। 4 tablespoon मैंने इसमें घी शामिल किया है और इसे हम थोड़ा सा मिक्स भी कर लेंगे। और गैस को हमने मीडियम ही रखा है। कढ़ाई के अंदर हम पानी शामिल नहीं करेंगे, ये अपने ही पानी में ये कढ़ाई बनके तैयार होगी, क्योंकि टमाटर भी पानी छोड़ेंगे और कीमे का भी पानी रिलीज़ होगा। 4-5 मिनट इसे हम इसी तरह से अभी फ्राई करेंगे और गैस को हम मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं करना होगा। 4 से 5 मिनट इसे हमने पका लिया है और देखें पानी भी कितना सारा कीमे ने और टमाटर वगैरह जो सब्ज़ियाँ डाली हैं कितना सारा पानी इसमें रिलीज़ हो चुका है। अब इसी पानी के अंदर ये कीमा हमारा गल भी जाएगा। हमने 4 से 5 मिनट इसे अच्छे से इसी तरह से चला लिया है कीमे को। अब हम पाउडर मसाले डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्च हमने डाली हुई है तो हम मसाले देखकर डालेंगे कि ज़्यादा ना चले जाए। 1/2 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1/2 teaspoon ज़ीरा पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने, 1/2 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छे से मसालों को मिक्स कर देंगे। 1/2 teaspoon कुटा हुआ साबुत धनिया, और अच्छे से इसे मिक्स करके और कवर करके पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा कीमा भी अच्छे से गल जाए, क्योंकि कीमा है जल्दी गल जाता है। कीमे को पकते हुए 10 मिनट हो गए, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। कीमा और मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं और हमें इन्हें ज़्यादा मैश नहीं करना होगा। टमाटरों को भी हमने बिल्कुल मैश नहीं करना है, थोड़े थोड़े टमाटर नज़र आने चाहिए। 1/2 teaspoon कुटी हुई काली मिर्च, काली मिर्च को हमें इस तरह से कूटना होगा कि 2 टुकड़े हो जाएं और ज़्यादा ये पाउडर ना बने। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप 1 teaspoon भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1/2 teaspoon डाला है। 1 teaspoon कसूरी मेथी, यह भी हम शामिल कर देंगे, क्योंकि हम कीमा कढ़ाई बना रहे हैं और कसूरी मेथी इसमें लाजमी है। अब हम कीमे को अच्छी तरह से भून लेंगे। काली मिर्च और मेथी डालकर हमने 2 से 3 मिनट इसे और अच्छे से भून लिया है, ताकि उनका भी फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए। और ये हमारा मटन कीमा कढ़ाई बनके तैयार है। अब इस पर हम थोड़ी सी अदरक और 1 हरी मिर्च इस तरह से डाल देंगे और गैस को हम बंद कर देंगे। मटन कीमा कढ़ाई बनकर तैयार है।